हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल हर्षित यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर्स या व्यूज या वॉच टाइम कुछ भी कम हो जाता है बिना किसी रीजन के, तो ऐसे में आप वो व्यूज एंड वॉच टाइम वापस कैसे ला सकते हैं, क्या आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको तीन तरीके बताने वाला हूं, तो जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दो तरीके बता देता हूं जिनके कारण से आपके व्यूज वॉच टाइम या सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं। फर्स्ट रीजन क्या होता है कि आप कोई स्पैम करते हो, आप किसी ऐप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अपने व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स या वॉच टाइम बढ़वा लेते हो पैसा दे के या फ्री में, तो ऐसे में यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको पकड़ लेता है और आपकी व्यूज एंड वॉच टाइम कम कर देता है। पहला तरीका तो ये हो गया, ठीक है, इसलिए आपके कम हो सकते हैं। सेकंड रीजन क्या होता है कि आपने कोई भी गलती नहीं की, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चैनल चला रहे हो, कहीं से भी आपने वॉच टाइम व्यूज परचेस नहीं किए गलत तरीके से, उसके बावजूद अगर कम होता है तो सेकंड रीजन हो सकता है यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाना, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब है ना जो ये पूरा एल्गोरिथम पे काम करता है, तो भैया ये कंप्यूटर ही तो है, उसमें इश्यूज हो जाते हैं, एरर्स हो जाते हैं, तो ऐसे यूट्यूब में भी एरर चलते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपने कोई भी गलती नहीं की उसके बावजूद आपका व्यूज वॉच टाइम कुछ भी कम होता है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे में आप तीन काम कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके से अपनी बात को यूट्यूब तक पहुँचाना है कि भैया ऐसे ऐसे हमारे व्यूज या सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं, हमने कोई भी गलती नहीं की है, तो वो कैसे आप पहुंचा सकते हैं, उसका तीन जरिए हैं। देखिए, पहला तो उन लोगों के लिए जिनका YouTube चैनल मोनेटाइज है एंड उन्हें YouTube टीम सपोर्ट टीम से बात करने का ऑप्शन मिला हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट तरीका क्या है कि अगर आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो चुका है तो ऐसे में आपको YouTube की टीम से बात करने का ऑप्शन मिल जाता है, आप लाइव चैट कर सकते हैं, तो ऐसे में आप उन्हें अपना इशू बता सकते हैं, तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि आपके व्यूज एंड वॉच टाइम सब्सक्राइबर जो भी कम हुए वो वापस आ जाएं, ठीक है। और जो भी आपको चैटिंग करनी है, तीन तरीके बताऊंगा ना, तो पहला तो हो गया हर जगह आपको इंग्लिश में अपना इशू लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, क्योंकि जो यूट्यूब टीम होती है वो अमेरिका से बात करती है, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखना है किसी भी तरीके से। तो सेकंड तरीका है वो क्या है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है, आपको यूट्यूब टीम को ट्वीट करना है, अगर आप ट्विटर यूज करते हैं तो आपको यूट्यूब टीम को ट्वीट करना है और अपनी प्रॉब्लम इंग्लिश में लिखनी है, अपने चैनल का URL वगैरह सब कुछ आपको दे देना है उसमें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं कि आपको किस तरीके से ट्वीट करना है, यूट्यूब टीम से लाइव चैट करनी है अगर व्यूज सब्सक्राइबर कम हुए, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट तरीका क्या है कि आप यूट्यूब टीम से बात करो, अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो लाइव चैट वाले से, अगर आपका मोनेटाइज नहीं है तो आप ट्वीट करो यूट्यूब टीम को, तो ऐसे में चांसेस होते हैं वो आपको रिप्लाई करें और आपके व्यूज एंड वॉच टाइम वापस आ जाए। थर्ड तरीका क्या है कि भैया आप यूट्यूब को फीडबैक सेंड कर सकते हैं, या ईमेल का ऑप्शन अगर आपको मिला है तो आप वो भेज सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यूट्यूब खोले, चैनल के लोगों पर क्लिक करें, वहीं पर एक आता है हेल्प एंड फीडबैक का, उसी पे आप क्लिक करेंगे तो ईमेल वगैरह का ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाता है, तो ऐसे में आपको अपना इशू इंग्लिश में लिख देना है। सो गाइस, यही तीन तरीके हैं जिनकी तरीके से आप अपने जो आपको प्रॉब्लम है यूट्यूब से वो आप व्यक्त कर सकते हैं और यूट्यूब तक पहुंचा सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको अभी मन में कोई डाउट हो कैसे ट्वीट करना है, कैसे बात करनी है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।